बड़वानी जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पिछोड़ी में डूब प्रभावित नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले 19 दिन से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, जहां महिलाएं नर्मदा में तख्त लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आई तो पुरुष नर्मदा किनारे बैठकर महिलाओं के समर्थन में बैठे हुए नजर आए। डूब प्रभावितों का आरोप है कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी आज न ग्रामीणों को बसाया गया न मूलभूत सुविधा मिल पाई है। वहीं शासन की गाइडलाइन के अनुसार मिलने वाला प्लाट और 5,80,000 का पैकेज भी ग्रामीणों को नहीं मिला है, जिसके कारण वे क्रमिक अनशन को मजबूर हुए हैं और जब तक सरकार उन्हें इनका हक नहीं देती अनशन आगे भी जारी रहेगा। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। नाम आपका? बच्चू राम कन्नौजी। किस बात को लेकर अनशन कर रहे हैं? हम इस बात के लिए सर, अगले साल से हमको 5,80,000 की पात्रता और प्लाट जो सरकार द्वारा देना था वो अभी तक प्लाट नहीं दिया गया और बहुत से लोगों को अभी तक 5,80,000 भी नहीं डाला और 3 सेट में डाला गया था, उन 3 सेट वालों को अभी भी निकाला गया हो डूब प्रभावित में वापस प्लाट नहीं दिया था, यहाँ बांधा गया मकान और फिर अब दोबारा से डूब गया और सरकार इस बात के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। कब तक रहेगा अनशन? ये अनशन अब जब तक सरकार अगर मान्य नहीं करती तब तक रहेगा। ये क्रमिक अनशन चल रहा है और आज 1900 दिन में क्रमिक अनशन जारी है। क्यों किया जा रहा है? आज भी संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है इसलिए क्रमिक अनशन जारी है और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कब तक रहेगा? अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।